हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। तो देखो, आज काफ़ी सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी सारे न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक्चुअली कल क्या है कि वीडियो पब्लिश करना भूल गया, तो वीडियो अपलोड हो गया था, फिर बाद में ध्यान आया कि ऐसे वीडियो पब्लिश नहीं हुआ, तो इसलिए कल का वीडियो काफ़ी डिले है, वो हो गया था। तो आज जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है हैम्पबैक डॉल्फिन के बारे में। तो क्या है हैम्पबैक डॉल्फिन, ये हम देख लेते हैं। देखो, कंटेक्स्ट अभी आया है कि रिसेंटली बॉम्बे में एक ब्रिज है जिसका नाम है बांदा वर्ली समुद्र लिंक। तो वहाँ पे अभी सी लिंक है, वहाँ पे अभी इस डॉल्फिन को देखा गया है। तो एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो हैम्पबैक डॉल्फिन है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। बेसिकली जो ये हैम्पबैक डॉल्फिन है ना, ये पाई जाती है महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जो सिंधु दुर्ग जिले हैं ना उनके कोस्टल एरिया पे। कैसी होती है डॉल्फिन एक बार हम इसे देख लेते हैं। ये है हैम्पबैक डॉल्फिन, तो ये आपने देख ली। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है, देखो ये जो डॉल्फिन है ये एक्चुअली जो उथला और जो तटीय एरिया ना वहाँ पे पाई जाती है, मतलब शेलो कोस्टल वाटर में ये पाई जाती है नॉर्मली। और इसका जो नेचुरल आवास है वो है पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका का एरिया, इसके साथ भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास। मतलब हम एक तरीके से बात करें कि ये तो हो गया हमारा इंडिया, इस साइड हो गया आपका, यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह हो गया और फिर यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये बेसिकली इस वाले एरिया में पाई जाती हैं। तो अभी देखिए कहाँ पे गई हैं, ये देखिए गई हैं इस वाले रीजन्स में। तो ये हमें इफेक्ट में ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अफ्रीका वाला एरिया आपको पता है यहाँ पे आता है, तो वहाँ पे भी डॉल्फिन है वो पाई जाती हैं। तो ये इफेक्ट ध्यान में रखना कि ये पाई कहाँ जब पे जाती हैं। इसके साथ ही इनके रंग वंग की बात की गई, तो देखो रंग तो इतना यूपीएससी नहीं पूछेगी कि इनका काला रंग होता है भूरा, बट एक बार देख लीजिए कि जो यंग टाइम होता है इनका, उस टाइम पे इनका कलर है वो काला और गहरा भूरा रंग का होता है। इसके बाद जब इनकी एज बढ़ जाती है तो इनका रंग वो हल्का भूरा हो जाता है। और ये मेमल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना कि हैम्पबैक जो डॉल्फिन है वो मेमल्स में काउंट है, वो की जाती है। इसके साथ ही जब भी इसको सांस लेना होता है तो सरफेस पे आके सांस है वो लेती है, मतलब इसको नॉर्मली इंसानों की तरह सांस है वो लेनी पड़ती है। इसके साथ ही ये काफ़ी दिमागी होती है और एक तरीके से ग्रुप में ये रहना पसंद है वो करती है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है, IUCN की प्रोटेक्शन लिस्ट में कहाँ पे इसका स्थान है। तो इसे IUCN की इंडेंजर्ड स्पेसीज में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वहाँ पे इसको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके। तो देखो कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं, फिर हम यहाँ पे इसे समझेंगे कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग है वो होती क्या है, इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो इकोनॉमी का टॉपिक वो GS 3 में आता है, बट प्रीलिम्स में भी UPSC इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पूछ सकती है। कंटेक्स्ट अभी आया है कि भारत में जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, उसने अभी जो इनसाइडर ट्रेडिंग थी इसके ऊपर इसको रूल रेगुलेट है वो किया, मतलब इसको लेके रेगुलेशन है वो जारी की है। तो देखो इनसाइडर ट्रेडिंग को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लिए कोई एक पर्सन है ए, और वो ये मान लो कि SDFC कंपनी के अंदर काम है वो कर रहा है, कि SDFC कंपनी में उसकी अच्छी खासी पोस्ट पे जॉब लगी हुई है। अब देखो आपको पता है कि SDFC के मार्केट में शेयर वगैरह जारी होते रहते हैं और कंपनी अपनी पॉलिसी वगैरह है टाइम टू टाइम वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सब चेंज कर रही होती है। तो मतलब ए जो मैनेजर है या कोई भी हायर पोस्ट पे है SDFC में, उसको तो पता है कि भाई शेयर की क्या वैल्यू चलने क्या चल रही है और आगे शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ने वाली है घटने वाली है, क्योंकि देखो वो तो पॉलिसी बनाते हैं तो उनको तो इस चीज़ का पता होता है। अब अगर आप ये देखिए कि जो ए पर्सन है वो उसको पता है कि भैया भी शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो हो सकता है कि वो अपने खुद या फिर अपने किसी रिलेटिव को या किसी अपने जानकार को बोलते कि भाई आप है वो SDFC के काफ़ी सारे शेयर खरीद लो क्योंकि भी इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। या फिर ऐसे कि भाई SDFC की शेयर वैल्यू गिरने वाली है, कुछ ऐसा इश्यू हो गया है, कुछ क्राइसिस आ गए हैं, उस कंडीशन में बोल सकता है कि भाई आप शेयर वगैरह वो बेच दो तुरंत जल्दी से क्योंकि अभी SDFC की शेयर वैल्यू गिरने वाली है। तो ये क्या हुआ, ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो एक्चुअली सेबी ने इसको बैन है वो क्या हुआ है, सेबी ने एक्चुअली इनसाइडर जो ट्रेडिंग होती है इस तरह की उसको बैन किया है कि भाई आप इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है कि उस पर्सन को उस कंपनी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता होती है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्री जो ट्रेड होता है एक तरीके का उसको रेगुलेट नहीं, सॉरी जो फ्री ट्रेड होता है उसको आगे कंटिन्यू नहीं रख पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो हस्तक्षेप हो गया ना कि भाई अपनी ऊंची पोस्ट का वो बेनिफिट उठा रहा है। तो इस चीज़ को सेबी ने ये प्रावधान किए हैं, कंपनियां भी ये प्रावधान करके रखती हैं कि भाई जो पर्सन बैंक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो एक्चुअली उस कंपनी के शेयर हैं, उसके लिए कुछ लिमिट्स होती हैं कि वो शेयर ही खरीद सकते हैं, इसके अलावा अपने रिलेटिव वगैरह को भी उन शेयर को खरीदने या उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते हैं। तो अभी सेबी ने उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है सेंसिटिव उसको लेके अभी रूल रेगुलेशन है या गाइडलाइंस हैं या नए, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नए रूल रेगुलेशन है वो स्थापित
की हैं कि भाई जो इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग होती है इसको रोका जा सके, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इसके अंदर जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने रिलेटिव वगैरह हो या फिर खुद हो के किसी दूसरे के माध्यम से इनसाइडर ट्रेडिंग है वो करते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे जाना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल यहाँ पे आया है वो आया है ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में। तो देखो ऑक्सफैम है वो एक इंटरनेशनल लाइट ग्रुप है और उसके द्वारा अभी ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। तो देखते हैं इसकी रिपोर्ट में है क्या। देखो अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है ना इसमें ये बताया गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अनइक्वलिटी जो असमानता है ना वो किस लेवल पे बढ़ रही है। तो उसमें भी इंडिया का भी एग्जांपल दिया गया कि भाई इंडिया में असमानता किस लेवल पे बढ़ रही है और इसी के साथ इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज है वहां पर भी असमानता कैसी है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में तो इसने ये कहा है कि सॉरी इसने सबसे पहले तो बात की है इंडिया की कि भारत के जो 1% अमीर लोग हैं ना ऊपर के टॉप अमीर लोग हैं उनकी जो 2018 में जो इनकम है ना वो बढ़िया है, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हुई है 33% से। मतलब भारत के टॉप 1% जो अमीर लोग हैं उनकी 2018 में जो धन है वो 33% बढ़ा है, जबकि निचले लेवल पे जो सबसे गरीब लोग हैं उनकी इनकम है वो 3% घटी, तो 3% बढ़ी है। आप देख सकते हो कि कितनी असमानता हुई है। जो टॉप 1% अमीर लोग हैं उनकी वेल्थ उनका धन है वो तो बढ़ा है 33% से और जो नीचे के गरीब लोग हैं उनकी जो आय है वो केवल 3% ही बढ़ी है। तो मतलब 30% का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसमें हुआ क्या, अमीर और गरीब के बीच की खाई वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जो ये इंटरनेशनल लाइट ग्रुप है ऑक्सफैम इसकी स्टडी के द्वारा ये भी पता चला है कि जो 2018 में जो अरबपति थे उनकी आय में एक दिन में 12% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो अरबपति लोग हैं उनकी आय है वो एक दिन में 12% तक बढ़ती जा रही है, जबकि गरीब हैं उनकी आय में तो गिरावट हो रही है बढ़ने की बजाय। देखो ये ऑक्सफैम रिपोर्ट है ना ये एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सबमिट होती है, मीटिंग होती है हर साल जनवरी में दाउस में, उससे पहले रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और इसके बाद ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स होती है सबमिट वगैरह वो आयोजित होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे भी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो उसके बारे में फैक्ट। इसके साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये जो शिखर सम्मेलन है इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता भी चला है कि जैसे अमीर और गरीब के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है इससे जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे खाना पीना दवाइयाँ वगैरह उनको भी अफोर्ड है वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि असमानता बढ़ती जा रही है। और जब भारत के बारे में यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है कि भारत के जो टॉप 10% जो आबादी है उसके पास तो इंडिया का ऑल ओवर 77.4% पैसा इकट्ठा हुआ है और जो बाकी नीचे के 1% लोग हैं उनके पास 51.3% ही उनका हिस्सेदारी है। तो एक उस फैक्ट दिया गया है कि भाई कितनी असमानता वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक उस फैक्ट है जो देखो आंसर राइटिंग वगैरह में हम कहीं यूज है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसका 5 दिन का सम्मेलन है उसकी भी शुरुआत है वो हुई है और ये ध्यान रखना आपको कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल जो मीटिंग या हर साल जो सम्मेलन है ये जनवरी में कहाँ पे होता है, स्विट्जरलैंड के दाउस शहर में। तो ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। अब इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होता क्या है, इसमें ये होता है कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड की इकोनॉमी पर चर्चा की जाती है कि भाई इस बार इकोनॉमी किस तरीके से स्लो डाउन रहेगी, कौन कौन सी कंट्री की क्या हालत रहेगी, तो मतलब इकोनॉमी को लेकर इसमें डिस्कशन है वो की जाती है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला वो इसके को चेयरपर्सन रहेंगे। इसके साथ जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कुछ काम की नहीं है कि जैसे जर्मनी के जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल, इसके साथ स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, जापान के प्रधानमंत्री हैं वो एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हैं और इसी के साथ ही IMF, WTO, OECD और वर्ल्ड बैंक है वो भी इसकी संस्था इसमें हिस्सा लेने वाली हैं और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट है वो नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें ये इफेक्ट ध्यान रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है ये वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो अभी पब्लिश किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो जारी की जाती है और यह ध्यान रखना कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है जो डाटा है ना ये 4 साल का डाटा इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो यह ध्यान रखना, एक तो करंट ईयर का, एक पिछले का और उससे पिछले का और एक जो नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाला है। जैसे कि अभी हम बात करें तो इस बार 2017, 2018, 2019 और 2020 का डाटा यहाँ पे जारी किया गया है। 2020 के जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो जारी की जाती हैं, 2019 के जो करंट ईयर है इसके बारे में और उसके 2018 में क्या ग्रोथ रेट रही है वो और उससे लास्ट ईयर की डिटेल यहाँ पे जारी की जाती है। मतलब 4 साल का इसमें डाटा है वो जारी किया जाता है और साल में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसको 2 बार अपडेट है वो किया जाता है। तो ये इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यह जारी की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF द्वारा। तो यह इफेक्ट भी यहां पे इंपॉर्टेंट है।
अब देखो इसमें इंडिया की ग्रोथ रेट बताई गई है कि भाई 2017 में तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक वो रही थी 6.7% से बड़ी थी। 2018 में इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो थी 7.3, और 2019 में इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो थी 7.5, और 2020 में उम्मीद की जा रही है कि इंडिया की ग्रोथ रेट है वो 7.7% से बढ़ने वाली है। तो देखो आपको ये डाटा है वो अभी तो रटने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, और मेंस में आंसर राइटिंग में इसका हम कहीं यूज है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ ही चाइना के बारे में बात ये की गई है कि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो लगातार घटती जा रही है। 2017 में 6.9% थी, 2018 के अंदर 6.6, और 2019 में 6.2, और 2020 में 6.2 की उम्मीद है वो यहाँ पे की जा रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018 रिपोर्ट। देखो जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018 रिपोर्ट है यह पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, और इसमें ये इस रिपोर्ट में मेन फैक्ट यह है इस बार कि भाई 2018 से 2040 के बीच में जो ग्लोबल एनर्जी की डिमांड है ना, जो एनर्जी की बात यहाँ पे की जा रही है, उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की मांग है उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी कम फोकस है वो क्या जा रहा है, क्योंकि अभी देखो जो मैक्सिमम एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस की जा रही है। तो सभी गवर्नमेंट्स ये चाहती हैं कि भाई हम जो सोलर लाइट वगैरह हुई या फिर जो और तरीके के जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, ताकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हुए ग्लोबल वार्मिंग से हम निपट सकें। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक तो ये रिपोर्ट है कि किसके द्वारा जारी की जाती है, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। देखो हुआ क्या था, 1973 में हुए थे ऑयल क्राइसिस, यानी 1973 में आया था तेल संकट, और उस टाइम पे क्या हुआ था, जो ओपेक कंट्रीज थी ना उन्होंने एक कार्टल बना लिया था, मतलब एक संगठन बना लिया था, और जैसे हम जानते हैं कि ओपेक कंट्रीज हैं वही मैक्सिमली जो ऑयल है वो प्रोड्यूस करती हैं, तो अगर इन्होंने कार्टल बनाया इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट के अंदर ऑयल की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और प्राइस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर रखी थी। तो इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का निर्माण किया गया इसके बाद कि भाई जो एनर्जी वाली कंट्रीज हैं इन जो जिन कंट्रीज को एनर्जी की जरूरत होती है उनको कंटिन्यू या एक सस्टेनेबल ढंग से उनको जो भी रिसोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल वगैरह हैं वो उनको आराम से मिल सकें, और इसके लिए इसकी काम है वो बनाया गया था। यानी यह एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसमें 30 कंट्रीज और इसके 8 सहयोग कंट्रीज हैं, जो एक दूसरे के लिए विश्वसनीय सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा है वो सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। मतलब जब भी ऐसा कुछ इश्यूज होता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए एक दूसरे को समर्पित होते हैं। इसके देखो चार क्राइटेरिया होते हैं, मतलब चार एरियाज में ये काम करती है। एक तो होता है ऊर्जा सोर्स का यानी एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरा है इन्वायरमेंट अवेयरनेस, और चौथा है दुनिया भर के में इंगेजमेंट है एक दूसरे के बीच में, कोलाबोरेशन है कंट्रीज के बीच में वो करवाना, ताकि एनर्जी की जो डिमांड है एनर्जी की जो सप्लाई है वो सस्टेनेबल ढंग से कंटिन्यू रह सके। यह ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इंडिया है वो एक सहयोगी सदस्य है, इंडिया इसका रियल मेंबर नहीं है, केवल एक तरीके से पार्टनर यहाँ पे बना हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है प्रोजेक्ट रीवेव के बारे में। देखो प्रोजेक्ट री जो वेव है ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया है। अब है क्या इसके बारे में देखते हैं। देखो वेव का मतलब होता है बुनकर, तो जो बुनकर हैं उनको एक्चुअली से उनकी हालत सुधारने के लिए ये प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है उसने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें होगा क्या, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा rewave.in, और ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जो भी हमारे देश में बुनकर हैं हैंडलूम हैं वेवियर हैं उनको एक्चुअली मौका देगा, एक तरीके से उनको प्लेटफॉर्म देगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेच सकते हैं, उनकी मार्केटिंग है वो कर सकते हैं, मतलब उनको एक वेबसाइट मिल जाएगी एक तरीके से, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट अमेजोन है उन्हीं तरीके से। और इसी के साथ ही जो लोकल एक तरीके से आर्टिसंस हो गए, जो एक तरीके से कलाकार हैं वो अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सप्लोर हैं वो कर सकते हैं, और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको सेल है वो कर सकते हैं। एम क्या है इसका, इसका काम यह है कि जो हैंडलूम जो बुनकर है ना उनके एक सिस्टम को हमारे देश में बिल्डअप है वो किया जाए, क्योंकि देखो अभी आपको बताएं कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं मशीन से बनाई जा रही हैं, इसलिए जो हाथ से बनाने वाले हाथ करते हैं या बोल सकते हो कि जो बुनकर हैं उनका मार्केट काफ़ी डाउन हो गया है, तो उनकी हालत सुधारने के लिए स्टेप है वो लिया गया है। तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट है इंडिया है वो एक्चुअली एक एनजीओ पार्टनर है, उसके साथ मिलकर काम है वो करने वाला है, और इसमें उनको जो ट्रेडिशनल जो उनकी आर्ट कलाकारी है उसको एक तरीके से आजीविका के रूप में भी उनको एक सस्ता साधन है वो मुहैया करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो यहाँ पे आया है पाके हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेके। देखो जो पाके हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको एक्चुअली यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आया है कि अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया है। तो देखो ये तो है हॉर्नबिल, आपके सामने आप इसे देख सकते हो। हॉर्नबिल की वजह से तो काफ़ी सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, बट एक फैक्ट इम्पोर्टेंट आप ये ध्यान रखना कि जो नारकोंडम हॉर्नबिल है ना
वो एक्चुअली इंडेमिक है और वो पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ नारकोंडम आइलैंड पे ही। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नारकोंडम जो हॉर्नबिल है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नारकोंडम आइलैंड में ही पाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नारकोंडम आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो फैक्ट है वो आपको बताना है, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में। तो कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कि पाके पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है एक्चुअली उसको अभी स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अब हम ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में देखते हैं, इस हॉर्नबिल के फीचर्स देखो। यह एक तो लंबी इसकी आयु होती है, लगभग 50 साल तक यह जीता है। इसके साथ ही काफ़ी माइनेट होता है, यह फ्रूट्स वगैरह को खाता है और जो स्मॉल मेमल्स होते हैं मतलब रेप्टाइल्स वगैरह बर्ड वगैरह सांप वगैरह इनको भी ये खा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आईयूसीएन में स्टेटस देखो, आईयूसीएन में से वनरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है और 2018 के अंदर इसको नियर थ्रेटन से ध्यान में सेट है वो किया गया, मतलब पहले नियर थ्रेटन में था इसके बाद में इसको वनरेबल में भी शिफ्ट है वो कर दिया गया है। और जो साइट्स है उसके अंदर इसको अपेंडिक्स वन में रखा गया है। आप ये बताइए कि जो साइट्स है वो यूएन का पार्ट है या नहीं। देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ जाते हैं आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में। देखो कंटेक्स्ट क्या है पहले तो वो देखते हैं। कंटेक्स्ट अभी आया है कि रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने एक्चुअली जो नेशनल सोशल सस्टेनेबल असिस्टेंट जो जो प्रोग्राम था एनएसएपी, इसके तहत जो मंथली पेंशन दी जा रही थी इसको बढ़ाने की बात है वो की है। क्या उन्होंने ये प्रावधान रखने की बात की है कि भाई जो अर्ली जो पुअर लोग हैं जो डिसेबल्ड विडो पर्सन हैं इनकी जो मंथली पेंशन है वो 200 रुपये से बढ़ा के 800 रुपये कर दी जाए और इसी के साथ ही जिनकी आज 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है उनकी जो पेंशन है उसको 500 रुपये की बजाय 1200 है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये इनके द्वारा प्रस्ताव लिया गया। तो देखो अभी एक्चुअली इसको लेके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अगर अनुमति देगी तो उसके बाद ये पेंशन है वो बढ़ने वाली है। तो हम यहाँ पे देखते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में। देखो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट हो गई थी और यह 15 अगस्त 1995 मतलब 1995 की पुरानी स्कीम है। इसका काम क्या था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का मेन मोटिव ये रखा गया था कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 41 जो कि डीपीएसपी है हमारा उसके अंतर्गत आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 ये कहता है कि भाई जो स्टेट है ना वो एक्चुअली पब्लिक असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करवाएगा किसको, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में या फिर अगर जो बूढ़े लोग हैं उनको या फिर कोई बीमार है या फिर कोई डिसेबल पर्सन है या एक तरीके से जो कैपेबल नहीं है इनकम करने लायक, तो उनको उनके लिए स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उनको कुछ ना कुछ पैसा मुहैया करवाए। और देखो इसी आर्टिकल 41 के तहत बार बार जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है इसकी बात है वो की जाती है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके तहत एक्चुअली ये स्कीम है वो रिलीज की गई थी कि भाई जिन लोगों को जरूरत है जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं उनको एक्चुअली कुछ ना कुछ असिस्टेंट है वो दी जाए इसके उनको पेंशन के तौर पे। अब इसका मेन मोटो क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो दी जाती है विडो पर्सन हुए या फिर जो डिसेबल पर्सन है सोशल पेंशन है वो उनको दी जाती है। तो देखो इसमें लगभग है वो यहाँ पे डाटा भी दिया गया कि 3 करोड़ जो पर्सन है वो इसमें इंक्लूड हैं जिसमें 80 लाख विडो पर्सन भी हैं, इसके साथ 10 लाख डिसेबल्ड हैं, 2.2 एल्डर जवान पर्सन भी इसमें शामिल वगैरह किए गए हैं। तो ये कुछ थोड़ा फैक्ट है जिसको हम आंसर राइटिंग में कहीं यूज कर सकते हैं कि भाई नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का बेनिफिट है वो क्या है। अब देखो नेशनल सोशल जो असिस्टेंस प्रोग्राम है इसके तहत यहाँ पे बेसिकली 5 पार्ट है या 5 स्कीम है, इसके तहत कौन कौन सी है वो आप एक बार देख लेते हैं। एक तो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एक है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, एक है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पर्सन स्कीम पेंशन स्कीम सॉरी, और चौथा है यहाँ पे नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और पांचवा है अन्नपूर्णा। तो ये 5 स्कीम है जो कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत स्टार्ट है वो की गई थी। तो देखो ये तो थी हमारी न्यूज़। अब हम देखते हैं आज के 2-3 क्वेश्चन क्योंकि आज एक्चुअली काफ़ी लंबी डिस्कशन वो हो गई। पहला क्वेश्चन है वो है स्वाइन फ्लू है वो श्वसन तंत्र को एक इफेक्ट है वो करता है, एक संक्रामक डिजीज है, तो यह किस कारणों से होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने H1N1, दूसरा है H5N1 और तीसरा है H7N9 और चौथा है H9N2। तो देखो जो स्वाइन फ्लू है वो होता है H1N1 की हेल्प से, तो ये आपको देख रहे हैं कि जो H1N1 स्वाइन है उसकी हेल्प से स्वाइन फ्लू होता है। UPSC इसके बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि ये भी है न्यूज में भी था। चलो आप ये बताइए कि इसके साथ जो बर्ड फ्लू होता है बर्ड फ्लू उसके वायरस का नाम क्या है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें आपको पेयर दिए गए हैं। पेयर में क्या कहे गए, पहला ओ पेयर आपको दिया गया है कि पोलावरम है प्रोजेक्ट वो कावेरी रिवर पे है, दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे कि मेकेराटू जो प्रोजेक्ट है वो गोदावरी रिवर पे है, तीसरा है यहाँ पे बगली हार जो प्रोजेक्ट है वो है चेनाब रिवर पे। आपको पूछा कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच किया गया है,
तो देखो जो बगलीहार जो प्रोजेक्ट है वो चेनाब रिवर पे बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, बिल्कुल सही है। और जो मैकेडाटो जो प्रोजेक्ट है वो कावेरी रिवर पे बना है, ये एक्चुअली बेंगलोर को पानी की सप्लाई करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग उल्टा मेज क्या गए। और जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो गोदावरी रिवर पे बना हुआ है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसलिए ये पहला और दूसरा वो क्रॉस मैच कर लेना आप, और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। तो आंसर तो हो जाएगा वैसे इसका ओनली 3। तो आपको आज का जो होमवर्क है उसके क्वेश्चन आपको ये बताना है कि बर्ड फ्लू कौन से वायरस की वजह से होता है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।